चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्प के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की सत्ता का, चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। आध्यात्मिक शब्दकोश पर अपनी चर्चा चल रही है। एक लाख शब्दों के जो मूल गहरे अर्थ है, जिसके बारे में अपनी चर्चा चल रही है, आज फिर 100 शब्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस रहस्य पर चर्चा करते हैं, जब हम मांगलिक बोलते हैं, मांगलिक में अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान और साधु परमेष्ठी को मंगल कहा है। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम और साहु मंगलम। परमेष्ठी 5 है, परंतु 5 परमेष्ठी में से 5ों परमेष्ठियों के नाम मांगलिक में नहीं लिए। मांगलिक में अरिहंत, सिद्ध और साधु, इन 3 परमेष्ठियों के नाम लिए। कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये जो आचार्य और उपाध्याय है उन्हें साधु में ले लिया, इसलिए आचार्य उपाध्याय साधु तीनों को ही एक शब्द में साहु ऐसे शब्द से कहा। मगर उसका गहरा और मूल कारण यह है कि 5 परमेष्ठी के जो पद है उनमें से 3 परमेष्ठी के पद ऐसे हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनिवार्य पद है, और 3रा और 4था ये 2 पद ऐसे हैं जो मोक्ष के लिए अनिवार्य नहीं है। इसलिए किसी को यदि मोक्ष में जाना हो तो साधु होना अनिवार्य है, अरिहंत होना अनिवार्य है और सिद्ध होना अनिवार्य है। आचार्य उपाध्याय ये कंपल्सरी पद नहीं है, इसलिए मांगलिक में इन्हें विशेष रूप से आचार्य शब्द और उपाध्याय शब्द नहीं लिखा। जैसे 5 पद में अरिहंत, सिद्ध और साधु ये 3 पद अनिवार्य पद, आचार्य और उपाध्याय ये 2 पद तो ऐसे हैं कि यदि किसी को आचार्य और उपाध्याय का पद प्राप्त हुआ हो तो उसे भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उस पद का बोझ लेकर के भी कोई मोक्ष नहीं जाता। गृहस्थी का बोझ लेकर तो मुक्ति नहीं मिलती, मगर आचार्य और उपाध्याय का पद भी जब बोझ रूप लगे और जब साधु पद पर विराजमान हो और वो साधु फिर अरिहंत हो, इसलिए आपने तीर्थ क्षेत्रों की जब यात्रा करने गए हो वहां पर आपने पढ़ा हो, देखा हो, लिखा हुआ कि यहां से इतने लाख इतने करोड़ मुनि मोक्ष में गए, मुनि अर्थात साधु, वो साधु फिर अरिहंत होकर के मोक्ष में गए। अगर आचार्य और उपाध्याय ये 2 पद है, वे अनिवार्य पद नहीं है। जैसे 5 पद में ये 2 पद अनिवार्य नहीं है,
ऐसे ही पांच ज्ञान है। उन पांच ज्ञानों में ये दो ज्ञान ऐसे हैं जो अनिवार्य नहीं है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये तीसरा और चौथा, वहां पर भी पांच परमिष्टि में भी तीसरा और चौथा पद था आचार्य उपाध्याय, कंपलसरी नहीं था। ऐसे ही ज्ञान में अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये दो ज्ञान ऐसे हैं जो मात्र पुद्गल को ही जानने वाले ज्ञान है। अवधि ज्ञान से कभी अरूपी पदार्थ जानने में नहीं आता और मन पर्यय ज्ञान से अरूपी पदार्थ जानने में नहीं आता। वे रूपी पदार्थ को ही जानते हैं अर्थात पुद्गल को ही जानते हैं, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये सिर्फ पुद्गल को जानने वाले अवधि ज्ञान मन पर्यय ज्ञान की आवश्यकता अनिवार्यता नहीं है। इसलिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान चौथे गुणस्थान से लेकर के बारहवें गुणस्थान में आत्मा का अनुभव होता है, तो मति श्रुत ज्ञान की पर्याय में आत्मा जानने में आता है और उसके बाद अरिहत भगवान और सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान की पर्याय में। यह अवधि ज्ञान मन पर्यय ज्ञान ये अनिवार्य नहीं है, इसलिए अरिहंत सिद्ध और साधु इन्हें मांगलिक में नमस्कार किया है। उसके आगे शब्द है दृष्टि शब्द, ये दृष्टि शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कहीं पर भी दृष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं हमें भेद पता नहीं चलता कि कहां दृष्टि शब्द का भेद क्या लेना। दृष्टि में भी दृष्टि तो टी में जो है ना, तो टी में ह्रस्व करना या दीर्घ, छोटी या बड़ी, तो उसमें दो, उसमें कितना बड़ा अंतर है आपको समझ में आएगा। दृष्टि में जब आगे आता है ह्रस्व वो छोटा ही होता है दृष्टि, और दृष्टि तो दृष्टि में जो छोटा दृष्टि में टी है वो होता है दृष्टि, दृष्टि को बताने के लिए, और जो पीछे जब आता है दीर्घ वाला वो दृष्टि को बताने के लिए नहीं, दृष्टि जिसको प्रकट हुई है उस आत्मा को बताने के लिए वहां पीछे जब आएगा तब, और उसका भाव ऐसे समझो इस जीव की दृष्टि सम्यक है, तो वहां पर फोकस किस पर है, दृष्टि पर फोकस है। इस जीव की दृष्टि सम्यक है तो दृष्टि छोटा आएगा टी, और ये जीव सम्यक दृष्टि है तो उस पर उस व्यक्ति को ही जब बताना है तो टी में फिर टी बड़ा आएगा। जब व्यक्ति को बताना चाहते हैं तब दीर्घ टी का प्रयोग होता है, और उस दृष्टि को बताना चाहते कि उसकी दृष्टि कैसी है, उसकी दृष्टि सच्ची है, उसकी दृष्टि झूठी है, तो उसके लिए ह्रस्व टी का प्रयोग होता है। एक होता है व्यक्ति के लिए और एक होता है उसके स्वरूप को बताने के लिए। तो इसलिए ये दृष्टि और दृष्टि शब्द अपन पढ़ते तो है मगर कहां पर वो दृष्टि का अर्थ श्रद्धा लेना, एक दृष्टि का अर्थ है श्रद्धा, जब छोटा टी होता है तब उसका अर्थ है श्रद्धा दृष्टि का अर्थ, और जब बड़ा टी आता है तब दृष्टि का अर्थ होता है श्रद्धा जिसको हुई है ऐसा आत्मा, वो बड़ा टी माने उसका मतलब दृष्टि। मिथ्या दृष्टि माने जिसकी दृष्टि मिथ्या है ऐसा आत्मा, तो उसमें मिथ्या दृष्टि ये टी बड़ा आया, और मिथ्या दृष्टि में टी छोटा हो तो इसकी दृष्टि जो है वो झूठी है, वो दृष्टि पर फोकस है, उसमें आत्मा पर फोकस किया है, जोर दिया है। उसके बाद दृष्टि का जो विषय है वो ये अपन शब्द का प्रयोग करते हैं उसको भी समझते ऐसा है। दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय जो है वो परद्रव्य से तो सर्वथा भिन्न है और पर्याय से कथनचित भिन्न है, इन दोनों के भेद को समझो। कथनचित और सर्वथा ऐसा भेद क्यों, जो ये भगवान आत्मा और ये आत्मा की पर्याय और ये शरीर धन संपत्ति पुत्र पत्नी परिवार आदि सब, ये सब बाहर के पर पदार्थ, तो ये आत्मा आत्मा की पर्याय और ये पर द्रव्य। तो भगवान आत्मा जो दृष्टि का विषय है वो दृष्टि का विषय भगवान आत्मा इन पर द्रव्य से शरीर पुत्र पत्नी परिवार से तो सर्वथा भिन्न है, और अपनी जो पर्याय है
उससे सर्वथा भिन्न नहीं है, कथनचित भिन्न है। और उसका कारण क्या है ये भी समझने ऐसा है। यदि इस भगवान आत्मा को परद्रव्य से जैसे सर्वथा अलग कर दिया कि ये और ये दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, और ऐसे ही यदि कहते कि भगवान आत्मा का उसकी पर्यायी के साथ भी कोई संबंध नहीं है, तो क्या होगा? सर्वथा भिन्न कहोगे पर्यायी से तो ये निश्चयाभासी हो जाते हैं ना कि मेरे में पर्याय है ही नहीं, मेरे में तो कुछ है ही नहीं, मेरे में मलिनता है ही नहीं, पर्याय तो मेरा स्वरूप है ही नहीं। वो एकांत जिसने पकड़ा है उनके लिए ये बात है कि ये पर्याय और ये परद्रव्य और ये द्रव्य स्वद्रव्य, स्वद्रव्य है वो परद्रव्य से तो सर्वथा भिन्न है और अपनी पर्याय से कथनचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्याय जैसे श्रद्धा गुण की पर्याय, ये श्रद्धा गुण की पर्याय इस शरीर में पुत्र पत्नी परिवार में अपनापन करती थी, अपनापन करती है, तो उसका नाम क्या होता है? मिथ्यात्व। क्योंकि पर्याय ने किस में अपनापन किया? पर में अपनापन किया। तो यदि ये पर्याय द्रव्य से सर्वथा अलग होती तो ये पर्याय के लिए द्रव्य क्या हो गया? पर हो गया ना, क्योंकि पर है। और जब ये पर्याय त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करती तो मिथ्यात्व हो जाता, सम्यक तो होता ही नहीं। इसलिए कहा कि पर द्रव्य से तो सर्वथा भिन्न है और पर्याय से भगवान आत्मा कथनचित भिन्न है। ये अपनापन करता है तो तब यह सम्यक रूप परिणमन होता है, यहां अपनापन करती है ये पर्याय तो मिथ्या परिणमन होता है, क्योंकि ये सर्वथा भिन्न है, ये इससे कथनचित भिन्न है। तो फिर भिन्न कहा क्यों? जब अपनापन होता है तो सम्यक होता है, तो फिर भिन्न कहा क्यों? इसलिए क्योंकि अपनापन इसका इसमें नहीं होता, इसलिए इससे अलग है। अपनापन जो होता है पर्याय का, पर्याय में नहीं होता, इसलिए तो पर्याय द्रव्य से अलग है, और पर्याय का एकत्व द्रव्य में जब होता है तब सम्यक दर्शन होता है, इसलिए वो अभेद है, इसलिए वो एक है। ऐसा कथनचित शब्द का भाव है, दृष्टि के विषय में यह भाव समझना है। अब नमोकार मंत्र के बारे में, जब अपन नमो नमो बोलते हैं, एक ऐसा शब्द है, नमो नगारानो न अने फेण नो अण, न अने अण, तो नमोकार मंत्र जब बोलते हैं नमो अरियंताणम, तो उसमें न नगारानो न या फेण नो अण, तो वो फेण नो अण जैसे ना अण, वो न का प्रयोग होता है न का नहीं, न नहीं, उसका कारण है। क्यों? क्योंकि प्राकृत भाषा में वो न के स्थान पर अण इस अक्षर का प्रयोग होता है, और नमोकार मंत्र जो है वो प्राकृत भाषा में, और प्राकृत भाषा में न होता है ये तो हमें बोलना नहीं आता, इसलिए हमने नमो नकारा न करी देखियो, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम ऐसा नहीं है, वो नमो है वो प्राकृत भाषा में। संस्कृत में जब बोलते हैं तब फिर नमो बोल सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में फिर नमो पगर, नमो जब संस्कृत में बोलेंगे तो कोई कहेंगे हम संस्कृत में नमकार मंत्र बोलते हैं, नगारानो न बोलशु अने समझी रहीशु संस्कृत में छे, तो जो संस्कृत में बोलवो हो तो बोलो नगारानो न, नमो 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 नमो, नमो न बोलो चालसे, पण आगळ तमे जो नमो बोलो छो तो पछी पाछळ अरिहंताण में प्राकृत केम राख्यु? પછી એનું પછી સંસ્કૃત થઈ જવું જોઈએ, આખું સંસ્કૃત બોલો ને, એટલે નમ અર્હદેભ્યઃ, નમ સિદ્ધેભ્યઃ, નમ આચાર્યેભ્યઃ, નમ ઉપાધ્યાયેભ્યઃ, નમ લોકે સર્વ સાધુભ્યઃ, એવી રીતે આખું બધું સંસ્કૃત આવશે, પણ અડધું સંસ્કૃત ને અડધું પ્રાકૃત નહીં આવે, આ મિક્સર ખીચડી કરી નાખ્યું, દોનો મેં અલગ અલગ, જૈસે ગુજરાતી ઓર હિન્દી ભાષા મેં એસા ભેદ હૈ ન ઓર અ કા, हिंदी में बोलना हो तो कहते हैं मुझे पानी दो पानी, और गुजराती में आएगा तो पानी, तो न का अण हो गया, तो ऐसे ही वो प्राकृत में होगा नमो और संस्कृत में होगा नमो, तो ये नमो नमो का ये स्पष्टीकरण हुआ। उसके आगे अरिहंत शब्द का भाव पांच परमिष्ठ के बारे में लिया है। अरिहंत, अरि का अर्थ होता है शत्रु और हंत का मतलब नष्ट करने वाला, नाश करने वाला, अब शत्रु को नाश करने वाला जो है वे अरिहंत है। अब कौन से शत्रु? कोई व्यक्ति रूपी शत्रु की बात नहीं है, भगवान किसी शत्रु का नाश नहीं करते हैं, शत्रुता का नाश करते हैं।
और शत्रुता का भी नाश, माने कि एक शत्रु को मारा तो उसके परिवार जन में जितने लोग हैं वो सब हमारे शत्रु हो जाएंगे। उस परिवार को पूरे को मार दिया तो पूरा उसका जो गांव है वो शत्रु हो जाएगा, क्योंकि शत्रु का नाश करने से तो शत्रु बढ़ते हैं और शत्रुता का नाश कर देने से कोई भी शत्रु नहीं रहता। इसलिए भगवान जब शत्रु का नाश करने वाला जब भगवान को कहते हैं तब किसी व्यक्ति की बात नहीं है, उन रागादि विकारी भावों की बात है कि जो हमारे शत्रु थे, जो अनादि से हमें संसार में भटकाने वाले थे। अरिहंत शब्द, उसमें भी कोई लोग कहते हैं अरिहंत बोलना या अरहंत बोलना, इनमें से दो में से क्या? तो इनमें दोनों शब्द सही है, अरिहंत भी सही है क्योंकि शास्त्रों में अरिहंत शब्द का भी प्रयोग आया है। षटखंडागम में जहां पर मूल शास्त्र लिखे गए और उसमें नमोकार मंत्र जहां लिखा गया, सबसे पहले जब नमोकार मंत्र लिपिबद्ध हुआ तब सबसे पहले शास्त्र में जब लिखा गया महावीर भगवान के निर्वाण के बाद, तब षटखंडागम शास्त्र में लिखा गया। षटखंडागम शास्त्र पुष्पदन जी और भूतबली जी जिन्होंने षटखंडागम शास्त्र की रचना की और जो यहाँ अभी गुजरात में अंकलेश्वर में वहां पर वो लिखा गया था। तो ये षटखंडागम जो शास्त्र में नमोकार मंत्र में अरिहंत भगवान को नमस्कार किया, सिद्ध शब्द का जो अर्थ है जिनका समस्त कार्य सिद्ध हो चुका है, अब सिद्ध करने को कुछ बाकी नहीं रहा, कुछ अधूरा रहा ऐसा नहीं, इसलिए सिद्ध भगवान को ऐसा भी कहते हैं कि जो कृतकृत्य हो गए, जिनका करने योग्य जो कार्य था वो सब हो चुका है। आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों में एक अंक याद रखना है, उस अंक का नाम, उस अंक है 210, 210 याद रखना, ये तीनों के लिए, आचार्य, उपाध्याय, साधु के लिए 210। इसलिए क्योंकि आचार्य के पास में दो अधिकार है, उपाध्याय के पास एक अधिकार है और साधु के पास एक भी अधिकार नहीं। आचार्य के पास दो अधिकार है, उसका अर्थ ये दो अधिकार आदेश और उपदेश। तो जिनके पास आदेश और उपदेश का अधिकार है वे आचार्य, जिनके पास आदेश का अधिकार नहीं है मात्र उपदेश का अधिकार है वे उपाध्याय, और जिनके पास आदेश और उपदेश दोनों में से कुछ भी नहीं है वे साधु। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है तो हम साधु हो गए? नहीं, वो इसलिए एक बात उसमें समझना कि जो आदेश और उपदेश नहीं देते हैं मगर जो आचार्य के आदेश और उपदेश को और उपाध्याय के उपदेश को फॉलो करते हैं वे साधु हैं। इसलिए जो साधना मार्ग में व्यस्त है वे साधु है, जो पठन पाठन का उपाध्याय अध्ययन पठन पाठन का कार्य कराते हैं करते कराते हैं वे उपाध्याय है, और जो आचरण का पालन करते हैं और कराते हैं माने जिनके माध्यम से जो दीक्षा देते हैं तो वे आचार्य हैं। इनमें भी जैसे कहा आचार्य और उपाध्याय का जो पद अभी कहा ये अनिवार्य पद नहीं है, मगर आज इस पृथ्वी पर ऐसी विडंबना है कि जो दो पद है जो अनिवार्य नहीं है आचार्य उपाध्याय के, जो जरूरत ही नहीं है मोक्ष में जाने के लिए, उन पद के लिए ही सबको ज्यादा रुचि है कि मुझे आचार्य पदवी कब मिलेगी, मुझे उपाध्याय की पदवी कब मिलेगी, और साधु का जो पद है कि जहां से अरिहंत होना है उस पद में कोई रुचि नहीं है। इसलिए वो अज्ञानता के कारण जब दीक्षा का पालन होता है ना तब ऐसा होता है, अंतर की परिणति की निर्मलता के बिना जब दीक्षा ले ली जाती है तब ये भाव आता है कि मुझे ये पद कब मिले, आचार्य का और उपाध्याय का, ऊंचे पद में कब विराजमान हो, ये ऊंचा पद भी वो बोझ रूप लगे। परमेष्ठी शब्द जो है, परमेष्ठी में परम ये शब्द है, परम इष्ठी, परम पद पर विराजमान होते हैं वे परमेष्ठी है, ये शब्द का अर्थ है। और परम पद का अर्थ क्या है, ऊंचे आसन पर बैठते हैं वे परमेष्ठ, मगर ऊंचा आसन भी क्या, ये तो शरीर की अवस्था हुई, कोई नीचे बैठा है कोई ऊपर बैठा है, जो आत्मा वितराल अवस्था को प्राप्त है वो ऊंचे आसन पर है और उन्हें परमेष्ठी कहा। और गहराई में जाए तो जिनके तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति प्रकट हुई है वे वहां से ही परमेष्ठी पद की शुरुआत होती है।
नवोकार मंत्र में हम सव पाव पणासम ये शब्द कहते हैं कि नवकार मंत्र ऐसा है सभी पापों का नाश करने वाला है। क्या यह सच है कि नवकार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है? यदि नवकार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला होता तो नवकार मंत्र का पाठ करो और पाप का नाश हो जाएगा। तो पाप करते रहो, नवकार मंत्र बोलो, नवकार मंत्र बोलने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि नवकार मंत्र बोलने से सभी पापों का नाश होता है। तो सभी का मतलब क्या है कि पांच पाप पांच प्रकार के हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये पांच पाप, इन पांच पाप को एक शब्द में कहना हो तो सर्व पाप, पांचों पापों को एक शब्द में कहना तो सर्व पाप। अब जब आपने 3 बजे नमोकार मंत्र का पाठ प्रारंभ किया तो 3 बजे से लेकर के 3:01 तक, ये 1 मिनट के लिए समझने के लिए, तो 1 मिनट तक पाठ किया तो उस 1 मिनट के लिए आप किसी की हिंसा करने नहीं गए, झूठ बोलने नहीं गए, चोरी करने नहीं गए, कुशील सेवन करने नहीं गए और परिग्रह इकट्ठा करने नहीं गए। उस समय आप इन 5 पापों में प्रवर्तन करने नहीं गए तो 5 पाप से बचे ने? तो नमोकार मंत्र का जो पाठ करता है उसके सब पाप का नाश हो जाता है, अर्थात जितने टाइम वो पाप पाठ करता है उतने टाइम के लिए सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसा नहीं कि पहले के भी सब पापों का नाश हो जाता है। यदि पहले के ही सब पापों का नाश हो जाता तो आत्मा के ध्यान में लीन होने की जरूरत ही क्या थी, मनोज्ञानी फिर नवकार मंत्र का पाठ ही करते रहते। वो पाठ का मतलब उस समय के लिए सब पापों का नाश करने वाला है। नहीं तो ऐसे गंगा नदी के बारे में कहते हैं कि गंगा है वो पाप को धोने वाली है, तो पाप करते जाओ और गंगा में डुबकी लगाओ तो वहां पर पाप धुल जाते फिर। मगर गंगा में डुबकी लगाने से यदि पाप धुल जाते तो फिर पाप को कोई छोड़ता ही नहीं। और इसलिए एक कवि ने लिखा है, हे गंगा मैया तो पाप को धोने वाली नहीं है, पाप को बढ़ाने वाली है। इसलिए आज तक तूने किसी के पाप धोए तो नहीं, बढ़ाए, लोग ये मानकर के पाप करते ही जाते हैं, करो पाप, गंगा है ना, पाप धुल जाएंगे, डुबकी लगा देंगे। तो तेरे कारण तो लोग पाप बढ़ाते गए, तूने पाप बढ़ाए, पाप धोए का। तो ऐसे ही हमारे में गंगा में डुबकी नहीं मारते, मगर नवकार मंत्र है ना, कि नवकार मंत्र का पाठ कर लेंगे सब पापों का नाश हो जाएगा। मगर ऐसे नहीं होता, जितने समय आपने पाठ किया उतने समय पाप के प्रवृत्ति से बचे उतना पाप का अभाव का है। फिर 47 मंगलम का जो अपन पाठ बोलते हैं उसमें एक शब्द आता है, उसमें मांगलिक में पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, इसमें सब है पवज्जामि। और बौद्ध धर्म में एक शब्द आता है गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। हम ये कहते हैं अरहंते शरणम पवज्जामि, गच्छामि नहीं पवज्जामि, और दोनों के बीच में अंतर है, गच्छामि और पवज्जामि। गच्छामि का अर्थ मैं जाता हूं और पवज्जामि का अर्थ मैं पहुंचता हूं। जो जाता है वो जरूरी नहीं है पहुंचेगा, जाता है वो बीच रास्ते से वापिस आ सकता है, जो जाता है वो बीच रास्ते से किसी और रास्ते पर चला जा सकता है, जो जाता है वो बीच रास्ते में ही रुक सकता है। जरूरी नहीं है कि ये तीनों पहुंचेंगे, मगर हमने कहा पवज्जामि अर्थात मैं उस तक उन तक मैं पहुंचता हूं, पवज्जामि। ये पवज्जामि और गच्छामि के बीच में अंतर है, ये रहस्य है कि मैं परम पद को, परमेष्ठी पद को पहुंचता हूं, वो मेरा ध्येय है, जाना ध्येय नहीं है। इसलिए ज्ञान से ज्ञायक तक जो कृति है ना उसमें ये बात खास लिखी है, ज्ञान से ज्ञायक तक हमें जाना नहीं है, ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचना है, ऐसा है। उसके बाद तत्व शब्द है, तत्व शब्द का जो अर्थ है तत् प्लस त्व, तत्व। ये तत्व शब्द है वो उसमें 2 शब्द है, एक शब्द है तत्, उसमें त पूरा है और पीछे जो त है वो तो आधा त है तत्, और ये जो तत्व, तत् का अर्थ है वह और त्व का अर्थ है पना।
वह पना अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा पना, उसका नाम तत्व। तो तत्व की श्रद्धा का अर्थ है जैसा वस्तु स्वरूप है ऐसा ही श्रद्धा में लेना, अर्थात तत्व की श्रद्धा करना, जैसा है ऐसा, उसका मतलब तत्व। रत्नत्रय की जो एकता है वो मोक्ष मार्ग है, ये भी एक समझने जैसा है। लोग कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया इसलिए मोक्ष मार्ग मिल गया, अथवा आत्मज्ञान प्रकट हुआ इसलिए मोक्ष का मार्ग प्रकट हो गया। मगर पंडित टूडरमल जी ने इसके बारे में स्पष्टीकरण किया है, एक आत्मज्ञान प्रकट होने से मोक्ष का मार्ग नहीं है, एक सम्यक दर्शन प्रकट होने से मोक्ष का मार्ग नहीं है, उसमें तीनों लिया है, इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। तो ये कहकर के तीनों की एकता बताइए कि अकेला सम्यक दर्शन हो, अकेला सम्यक ज्ञान हो, अकेला सम्यक चारित्र हो तो मोक्ष का मार्ग नहीं है, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। इसलिए एकता शब्द कभी नहीं भूले, एकता तीनों एक साथ में हो तब वो मोक्ष का मार्ग कहा है, ऐसा रत्नत्रय की एकता। उसके बाद कषाय शब्द है, ये कषाय, ये शब्द जो बनाए जो आत्मा को कसता है उसका नाम कषाय है। अब कसे, कसे अर्थात कष्ट पहुंचाए, दुख पहुंचाए, उसका नाम कषाय है। ये दुख का जो संबंध है वो कषाय के साथ में है, और 12वें गुणस्थान में जब कषाय का अभाव होता है इसलिए 12वें गुणस्थान में पूर्ण सुख कहा है। सुख जो कहा है वो पूर्ण सुख 12वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में जो सुख है वो पूर्ण सुख नहीं, वो अनंत सुख है, दोनों में अंतर है। ये पूर्ण सुख 13वें गुणस्थान में अनंत सुख, और सिद्ध भगवान को जो सुख है उसका नाम अव्यापात सुख। केवल ज्ञान जो है वो अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान के साथ में जो सुख है उस सुख का नाम अनंत सुख है। और अघाती कर्म का भी जब अभाव हो जाता है, उसमें वेदनीय कर्म का जब अभाव होता है उसके अभाव पूर्वक जो अब सुख कहा गया उस सुख का नाम है अव्यापात सुख। ये बात हुई। उसके बाद मिथ्या बुद्धि सम्यक बुद्धि, ये जो है ना, ये बुद्धि शब्द का प्रयोग करते उसमें लोग बुद्धि का अर्थ ज्ञान ले लेते हैं, ज्ञान उसका अर्थ नहीं है, बुद्धि का अर्थ ज्ञान नहीं है। जहां पर मिथ्या बुद्धि और सम्यक बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ हो वहां बुद्धि का अर्थ लेना श्रद्धा। जैसे एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, तो एकत्व बुद्धि जो है ना वो बुद्धि का मतलब एक पने का जानना नहीं, बुद्धि का जानना नहीं, एक मानना। ममत्व बुद्धि पर पदार्थ को मेरा मानना, मैं पर का कुछ कर सकता हूं ऐसा मानना, कर्तृत्व बुद्धि। मैं पर पदार्थ को भोग सकता हूं ऐसा मानना, भोक्तृत्व बुद्धि। मानना ये बुद्धि शब्द का अर्थ यहां लेना है, ज्ञान नहीं लेना है। इसलिए जहां पर भी बुद्धि शब्द हो तो वहां पर मानना अर्थ ले, सम्यक बुद्धि और मिथ्या बुद्धि। उसके बाद ज्ञानी के भोग है वो निर्जरा के हेतु है। उसमें ये जब अपन सुनते हैं तो उसमें एक प्रश्न स्वाभाविक होता है कि ज्ञानी ने जाना कि भोग छोड़ने जैसा है और ज्ञानी भोग भोगते हैं। ज्ञानी ने तो जान लिया इस रहस्य को, जैसे कि एक व्यक्ति को पता नहीं है कि आलू नहीं खाना चाहिए और उसने आलू खाया, दूसरे व्यक्ति को पता है कि आलू में अनंत जीव मरते हैं, जन्म लेते हैं एक श्वास में 18 बार और फिर भी वो आलू खाता है, तो ज्यादा पाप किसको लगेगा, जो जानबूझकर खाता है उसे या जो अनजाने में खाता है उसे? जो जानबूझकर खाता है उन्हें ज्यादा पाप लगेगा। अब भोग छोड़ने जैसा है, अज्ञानी को तो पता ही नहीं है छोड़ने जैसा है, और ज्ञानी को तो पता चला ना कि भोग छोड़ने जैसा है और फिर भी भोग भोगते, तो जानबूझकर के भोगते ना जानने के बाद में, तो ज्ञानी को ज्यादा पाप लगना चाहिए, अज्ञानी को कम लगना चाहिए? मगर इसका रहस्य क्या है ये समझ नहीं सकते।
क्योंकि जानबूझ करके अज्ञानता के कारण किसी को समझ नहीं है, और वो कि आत्मा उपादेय है, आत्मा ही शरण है, भोग छोड़ने जैसे, ऐसा किसी आत्मा के बारे में किसी को पता ही नहीं है, वो लोग जब पाप करते हैं तो चलो ठीक है, मगर इनको तो पता चला, अनुभव भी हुआ कि आत्मा के अलावा इस जगत में कुछ भी सारभूत नहीं है, जानकर के भी भोग भोगते हैं, फिर भी ज्ञानी को बंधन कम होता है और अज्ञानी को ज्यादा होता है। जो जानबूझकर पाप करता है उसे कम बंध होता है, और अनजाने में पाप करता है उसे ज्यादा बंध होता है। वो क्यों? ये भी रहस्य है। बंधन दो प्रकारों से होता है, जैसे कि अज्ञान के कारण बंध होता है और कषाय के कारण बंध होता है, राग द्वेष के जो भाव है ना उनके कारण, ये भोग भोगने के भाव के कारण और अज्ञान के कारण, तो ये दो कारण है। तो अज्ञानी के पास में क्या है? अज्ञानी के पास में अज्ञान है और अज्ञानी के पास में भोग भी है, तो अज्ञानी को अज्ञान का भी बंध होगा और भोग भोगने का भी बंध होगा, डबल बंध होगा। और ज्ञानी के पास में अज्ञान नहीं रहा, समझ में तो आया है, इसलिए अज्ञान वाला बंध नहीं होगा, खाली भोग भोगने वाला बंध होगा, इसलिए ज्ञानी को कब बंध होगा, क्योंकि अज्ञानता से होने वाला जो बंध था वो बंध बहुत खतरनाक था, वो अनंत परिभ्रमण का कारण था, और वो अज्ञानता से होने वाला बंध उनको मिट गया है, अज्ञानता ही सबसे बड़ा बंधन का कारण है और वो उनको छूट गया, मिट गया है। इसलिए ज्ञानी जानबूझ करके भोग भोगते हैं, जानबूझ करके भोग भोगते हैं, इसलिए अज्ञानी की तुलना में उन्हें ज्यादा निर्जरा होती है और बंधन कम होता है, जानबूझ कर भोगते उनको। नहीं तो उस कोई व्यक्ति जानबूझ करके कर्म का बंध होता है ऐसा माने तो ज्ञान को बंधन का कारण मान लिया, और ज्ञान को जो बंधन का कारण मानता है उसने स्वभाव को ही संसार का कारण मान लिया, और स्वभाव को संसार का कारण मानने वाला अब मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करेगा क्यों? मान लेगा मैं स्वभाव भटकना मेरा स्वभाव है, वो अपने को अभव्य मानने को तैयार हो गया, क्योंकि भटकना मेरा स्वभाव है, अभव्य अनंत काल तक संसार में भटकता है, इसलिए ये कारण जानना कि जानना कोई दोष नहीं है, जानने से तो उस दोष से मुक्त हुए जो अज्ञानता का दोष था उससे मुक्त हुए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि अब आलू है, ये आलू था, इसको तो मैंने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जानने के बाद में ज्यादा पाप लगता है, इसलिए जानो ही मत, रेस्टोरेंट में गए उसको पूछा ही नहीं इसमें आलू डाला है कि नहीं डाला, कि जान लिया और उसके बाद में खाया तो ज्यादा पाप लगे, इसलिए अनजाने में ही खा लो, बस अनजाने में खा लो। तो ऐसा करने से तो वो उसने अज्ञानता का भी और भोग का भी दोनों का बंधन उसको होता है। उसके आगे निर्वाण शब्द है, निर्वाण शब्द निर्वाण, वान का अर्थ होता है शरीर और नीर का अर्थ होता है नीर, नी का अर्थ रहित, शरीर रहित तो होने का नाम निर्वाण है। अब शरीर रहित तो होने का नाम निर्वाण है, मोक्ष है, मोक्ष भी चौथे गुण स्तर में भी मोक्ष होता है, अरिहंत भगवान को भी मोक्ष होता है, मुनिराजों को भी मोक्ष होता है और सिद्ध भगवान को भी मोक्ष होता है, मोक्ष भी है ना, मोक्ष भी पांच प्रकार का होता है, जैसे एक है ये चौथे गुण स्थान में दृष्टि मुक्त हो गया, दृष्टि में जो बंधन था कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं, तो चौथे गुण स्थान में मैं तो अनादि अनंत मुक्त भगवान आत्मा हूं, मैं बंधा ही नहीं हूं, तो ये जो है चौथे गुण स्थान में दृष्टि से मुक्त हुआ। साधु जब हुए तब साधु होने पर वो जो गृहस्थी का जो बंधन था उससे मुक्त हुआ, अरिहंत हुआ तब अरिहंत भगवान को जीवन मुक्त कहते हैं, रागादि भावों से रहित दशा प्रकट हुई और देह होने पर भी कृपाल देव ने कहा देह छता निर्वाण, देह होने पर भी वहां पर निर्वाण कहा, मोक्ष कहा। और सिद्ध भगवान को जो तीनों कर्म से रहित हुए तो उन्हें वो मोक्ष, ये चार प्रकार का मोक्ष है। और एक पांचवा, ये तो चार पर्याय की बात हुई और पांचवा एक है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से मोक्ष स्वरूपी है, तू छो मोक्ष स्वरूप, तो ये पांचवा मोक्ष, इसे मोक्ष भी पांच प्रकार के होते हैं। इसमें जिनालय और चैत्यालय एक ये शब्द है, ये जो शब्द है ना जिनालय के दर्शन करने जाते हैं चैत्यालय के,
चिनालय माने बड़ा होता है तो वो चिनालय और छोटा होता है तो वो चैत्यालय, ऐसा इसका अर्थ लोग लेते हैं, मगर ऐसा इसका अर्थ नहीं होता। छोटी यदि डेयरी बनाई हो तो वो चैत्यालय, और बहुत बड़ा शिखर वाला बनाया हो तो वो चिनालय, ऐसा नहीं है। शेर हो और शेर का बच्चा हो तो शेर का बच्चा वो भी शेर ही होगा, फिर छोटा होगा तो उसको बकरी नहीं कहेंगे, ऐसा। तो मंदिर में मूर्ति बड़ी या छोटी उससे जिनालय चैत्यालय का अंतर नहीं है, मगर किसी भगवान की विशेष रूप से यदि वो बनाए तो जिनालय, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, किसी एक आत्मा का वहां पर ऐसा आरोपण स्थापना करके, और मात्र अरिहंत भगवान की ही हो कि अरिहंत भगवान, बस वितरागी भगवान, कि जहां पर महावीर भगवान नहीं, आदिनाथ भगवान नहीं, मात्र वितरागी भगवान उनकी स्थापना हो तो वो चैत्यालय, कि वहां पर खाली स्वरूप बताया कि अरिहंत भगवान का स्वरूप ऐसा है और ये महावीर भगवान है, ये आदिनाथ भगवान है, ये पारसनाथ भगवान है, ये सब चिनालय। उसमें आगे एक निगोद शब्द है। निगोद किसके लिए शब्द का प्रयोग होता है? निगोद का अर्थ है जो एकेंद्रीय जीव है वो पांच प्रकार के है, पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। और वनस्पतिकाय जो है वे दो प्रकार के जीव है, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। और साधारण वनस्पतिकाय जो जीव है उनका ही दूसरा नाम निगोद है, साधारण वनस्पतिकाय का दूसरा नाम निगोद है। और निगोद के जो जीव है, जैसे आपको पता हो उनको भी निगोद के जीविका, हमारे शरीर के अंदर अनंत निगोद के जीव है, और क्रिया कांड से बाहर की क्रिया के हिंसा के कारण यदि बंद होता, सबसे ज्यादा हिंसा होती है जब केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है जीव को, तब जितनी हिंसा होती है अनादिकाल से एक बार भी ऐसी हिंसा नहीं हुई थी, अनादिकाल से कभी ऐसी हिंसा नहीं हुई थी, केवल ज्ञान होता है तब उतनी हिंसा होती है, क्योंकि वे सब निगोद के जीव जो है बादर निगोद या जीव शरीर में है, यहाँ पर 12वें गुणस्थान के प्रथम समय से लेकर के 12वें के गुणस्थान के अंतिम समय तक वे मरना चालू हो जाते हैं, और इस ये शरीर में वे निगोद के जीव रहित शरीर होता है, और 13वें गुणस्थान में ये शरीर जो औदारिक शरीर था वो औदारिक शरीर से फिर वो परम औदारिक शरीर होता है, परम औदारिक शरीर होता है उसमें निगुत के जीव मरते। तो केवल ज्ञान हुआ तो इतनी तो जीवों की हिंसा हुई नहीं कि यहां से मरे, मगर उस हिंसा के होने पर भी अरिहंत भगवान को हिंसक नहीं कहा, क्यों? क्योंकि उपयोग आत्मा में हो तो अहिंसा है, और उपयोग बाहर में हो और जीव मर जाए तो भी हिंसा है। इसलिए मुनिराजों के बारे में यह कहा कि मुनिराज जब चलते हैं तब चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं, चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं। तो चार हाथ जमीन देखने की जरूरत क्या कि कोई जीव मेरे पैर के नीचे आकर के मर न जाए, ऐसी जागृति पूर्वक वे चलते। तो मगर वो जो गुणस्थान, कौन सा गुणस्थान है जब वे चलते? छठा गुणस्थान है, और छठे गुणस्थान का नाम प्रमाद का गुणस्थान है, वो तो प्रमाद का गुणस्थान है। तो प्रमाद से आड़स करीने भी रीते चाले छे कि सावधानी पूर्वक देखी चाले छे, सावधानी से तो पछी प्रमाद केम कीधो? प्रमाद पूर्वक इसीलिए कहा क्योंकि उस समय आत्मा में लीन होने का प्रमाद है, आत्मा में लीन थवानी आड़स नु नाम प्रमाद छे। એટલે જ્યારે કીડીના ઉપર ધ્યાન ગયું ત્યારે ધ્યાન આત્મા ઉપર ન ગયું એનું નામ પ્રમાદ, પોતાના આત્મામાં લીન થવાનો પ્રમાદ છે, એને અહીંયા પ્રમાદવાળું ગુણસ્થાન કીધું, છઠ્ઠું ગુણસ્થાન। એટલે અહીંયા કિસી પરજીવ કો બચાના એ અહિંસા નહીં હે, મગર અપને ઉપયોગ કો પરમે જાતા હુઆ બચાના એ અહિંસા હે। દો શબ્દ જ્ઞાતા ઓર ન્યાયક, એ શબ્દ હે ને કે મેં જ્ઞાતા હું, आत्मा की अनुभूति जब होती है तब आत्मा की अनुभूति में ज्ञाता पर जोर नहीं होता, ज्ञायक पर जोर होता है। दोनों के बीच में अंतर क्या है ये समझ लो। एक ज्ञान गुण को मुख्य करके द्रव्य को बताना हो तब ज्ञाता शब्द का प्रयोग होता है, और जब अनंत गुणाधिपति द्रव्य को बताना हो तब वहां पर न्यायक शब्द का प्रयोग होता है। ज्ञाता में अकेला ज्ञान, इसलिए ज्ञाता के साथ में आपने दूसरा शब्द देखा होगा, ज्ञाता में दूसरे कोई गुण नहीं आएगा, ज्ञाता में एक अकेला आएगा ज्ञान गुण,
इसलिए ज्ञाता दृष्टा रहो, क्योंकि दृष्टा जो है वो ज्ञाता के अंदर आया नहीं। दृष्टा माने दर्शन गुण, दर्शन गुण ज्ञाता में नहीं आ गया, इसलिए अलग से बताना पड़ा ज्ञाता दृष्टा रहो। तो ज्ञाता कहते ही अकेले ज्ञान गुण की मुख्यता है, दृष्टा कहते ही दर्शन गुण की मुख्यता है, और जब न्यायक कहा तब ज्ञान गुण नहीं, दर्शन गुण नहीं, अनंत गुणों का अभेद वो है न्यायक। और इसलिए समीसार की छठी गाथा में कहा मैं न्यायक हूं, मैं प्रमत अप्रमत नहीं हूं, मैं न्यायक हूं। न्यायक का अर्थ है पूरा द्रव्य, अखंड अभेद द्रव्य। जो दृष्टि का विषय है वो न्यायक है, दृष्टि का विषय ज्ञाता नहीं है। ज्ञाता में भेद आता है, भेद का विकल्प खड़ा होता है, इसलिए ज्ञाता और न्यायक। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये शब्द जो है जैसे आपको दृष्टि शब्द कहा ना, ऐसे ही जब लिखे तब इतना ध्यान रखे दर्शन, ये मूल शब्द जो है ना सम्यक, क कलम न क, क सम्यक दर्शन, मगर वो क जो है ना वो क भी आधा अलग है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मगर ये दर्शन ज्ञान और चारित्र जहां है ना वहां दर्शन के साथ में क नहीं होता, दर्शन के साथ में ग होता है। ज्ञान में जो है तो ज्ञान के आगे जो सम्यक है उसमें आधा क नहीं, उसमें आधा ग, और चारित्र जो है चारित्र में आगे जो सम्यक है उसमें क आएगा, उसमें ग नहीं आएगा। उसका कारण कि दर्शन शब्द जो है तो सम्यक क, क क आधा और द, तो क और द ये जब पास पास में होते मिलते हैं तब क का हो जाता है ग, तो आधा ग हो जाएगा, इसलिए सम्यक क दर्शन नहीं, सम्यक ग दर्शन, ग आधा सम्यक दर्शन। और फिर ज्ञ होता है और आगे जब क होता है तो क का हो जाएगा ग, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक नहीं सम्यक ग ज्ञान। और तीसरा है सम्यक चारित्र, उसमें क का ग नहीं होता, उसमें क का ग रहता है, इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक क चारित्र, ये तीन। बात छोटी है मगर समझ में रहेगी तो कभी उपयोग में आएगी। उसके बाद है वितराग चारित्र और सराग चारित्र, इसका अर्थ इतना गलत ले लिया गया है। जो मूल ग्रंथों में तत्वार सूत्र उसके टीकाओं में जो उसका अर्थ था उसका अर्थ हम समझ ही नहीं पाए। वितराग चारित्र ज्ञानियों को होता है और सराग चारित्र अज्ञानी को होता है, ऐसा अज्ञानी ने अर्थ ले लिया सराग चारित्र। मगर सत्य यह है कि वितराग चारित्र और सराग चारित्र ये दोनों चारित्र आत्मज्ञानी को ही होते हैं। ये चारित्र दोनों आत्मज्ञानी को ही, सराग चारित्र भी अज्ञानी को नहीं होता, ज्ञानी को ही होता है। क्यों? ये सम्यक चारित्र जिनको होता है उनके ये भेद है वितराग और सराग। तो फिर सराग और वितराग में ये कैसे सराग क्यों कहा? तो जब ज्ञानी आत्मा के ध्यान में लीन है शुद्धोपयोग में, जब शुद्धोपयोग में लीन है तब उनकी जो परिणति की निर्मलता है उसे वितराग चारित्र कहते हैं, और आत्मा के ध्यान में से जब बाहर आते हैं तब जो वितराग परिणति की निर्मलता तब भी है उसका नाम सराग चारित्र है। अंतर्मुख हो तब वितराग चारित्र और बाहर में ज्ञानी हो तब सराग चारित्र, मगर सराग और वितराग ये दोनों चारित्र ज्ञानियों के ही होते हैं, अज्ञानी के नहीं होते। ये आध्यात्मिक शब्दकोश ये हजारों वर्षों तक ये उपयोग में आएगा, ये मूल शब्द का अर्थ ये था और पिछले 500 वर्ष में हमने उसका अर्थ कहीं ऐसा किया ही नहीं, बदल दिया। जो मूल 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 1000 साल पहले जिसका अर्थ ऐसा होता था, मूल शब्द एक ये है, ये अनशन और उपवास ये दोनों को एक कर दिया। कहीं पर भी शास्त्रों में उपवास नाम का तप नहीं कहा, ये 12 तप में उपवास तप था ही नहीं, अनशन तप था। अनशन को कहा अनशन, एकासन नहीं कहा, उनोदर तप था, मगर हमने एकासन कर दिया, ये सब बदल दिया और उसका अर्थ भी इतना बदल दिया। अनशन का अर्थ उपवास, उपवास अनशन दोनों में क्या अंतर है? उपयोग जब स्वरूप में स्थिर होता है
अपनी पर्याय अपने में वास करती है उसका नाम है उपवास, और पूरे दिन भर पेट में भोजन नहीं जाना उसका नाम अनशन। हम जो अनशन करते हैं उसे ही उपवास मानकर बैठते हैं। जरूरी नहीं है अनशन करने वाले को उपवास होता हो, मगर जो उपवास करता है उसे अनशन हो जाता है। माने वो अपने में स्थिर है तो पेट में भोजन जाएगा ही नहीं। इसलिए अनशन जो है वो बहिरंग तप है, और उपवास जो है वो अंतरंग तप है। उपवास तो आत्मा का ध्यान है, आत्मा की स्थिरता है। अनशन पहला तप है और उपवास 12वां तप है। जो ध्यान 12वां तप है वो उसको हमने पहले में समझ लिया कि अनशन का मतलब उपवास। और किसी भी शास्त्रों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि जब आप उपवास करते हो आपका हमारा अनशन ऐसा। आपका जब उपवास करते हो अनशन करते हो तब अनशन में उबले हुए पानी की छूट होती है, कहीं पर भी नहीं लिखा। ये नया कोशिश दिया है। जैसे पहले कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा था कि साधु को कपड़ा पहनना चाहिए, फिर कपड़े आ गए, और अब आज से लेकर के 500 साल के बाद में देखना, जब कपड़े के चप्पल वाले साधु रास्ते पर निकलेंगे ना, साधु नहीं वो महाराज साहब, कपड़े के चप्पल वाले महाराज साहब निकलेंगे ना 500 साल के बाद में, लोग सोचेंगे भी नहीं कि कपड़े के चप्पल के बिना भी कोई साधु हो सकते, वो ऐसा मान लेंगे कि यही साधु का स्वरूप है। जैसे आज कपड़े वाले, फिर वो साधु तीन प्रकार के हो जाएंगे। आज जैसे दो प्रकार के कि बिना वस्त्र के और वस्त्र वाले, ऐसे दो भेद तो मानते हैं श्वेतांबर और दिगंबर, फिर बिना चप्पल वाले और चप्पल वाले, ऐसे भेद भी हो जाए, एक कालक्रम से दोष आता जाएगा। इसलिए ये बात खास समझना कि कहीं पर भी पानी पीने की भी छूट नहीं थी, क्योंकि पानी पीना वो भी एक, और इसलिए समस्त प्रकार का खाना और पीना उसका जो त्याग है। क्योंकि सचमुच तो यह है कि बाहर की दशा अंतर की स्थिरता के समय जैसी होती है ऐसी हो, तो जब कोई जीव स्वरूप में स्थिर होता है तब बाहर में कुछ जाता है पेट में। तो अनशन का अर्थ यह था कि जो कोई अंदर में स्थिर होता है तब उनकी बाहर की जो स्थिति होती है ऐसा आप करो, उसका नाम अनशन। जब कोई स्वरूप में स्थिर होता है तब उबला हुआ पानी पी लेता, तो यदि यहां बाहर में उबला हुआ पानी की छूट रखते तो चलता। कहीं पर भी ये नहीं लिखा, और कोई लाके बताए मुझे प्रमाण कि कहां लिखा है उबले हुए पानी की छूट, मैं बताऊं उसे। ये काल क्रम से दोष ऐसा आया कि सत्य स्वरूप ढक गया। अपने स्वार्थ के लिए, मान के लिए, कषाय के लिए, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, इसलिए कहा जितना सहज तपश्चर्या हो उतनी हो। इसलिए आगे एक शब्द आएगा संयम और तप। ये संयम और तप, ये तप है, अनशन तप है। और तप के बारे में क्या कहा और संयम और तप के बीच में अंतर क्या कहा? अंतर यह है कि जो साधु को संयम पूर्वक जीवन जीना ही चाहिए, ये शब्द खास समझना, साधु को संयम पूर्वक जीवन जीना ही चाहिए, और साधु को अपनी शक्ति अनुसार हो सके उतना तप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तप करना ही चाहिए, अपनी शक्ति अनुसार जितना हो सके उतना करना चाहिए। इसलिए उसमें किसी को भूखा नहीं रहा जा सकता। किसी ने ऐसा अनशन नहीं किया महीने महीने तक के लिए या तो इतने दिनों तक के लिए, तो उनकी साधना, उनका साधु का पद जो है वो भ्रष्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि तप के लिए छूट है। हाँ, मगर इंद्रिय संयम और प्राणी संयम नहीं होगा, तो संयम पूर्वक तो जीवन जीना ही चाहिए। छठवा तप है धर्म के 10 लक्षण में, छठा धर्म उत्तम संयम, और सातवा है उत्तम तप। तो छठे सातवें में इतना अंतर है, उसमें कंपल्सरी है संयम और तप है अपनी अपनी शक्ति अनुसार। उसके आगे स्वाध्याय के बारे में एक है कि कोई जब पढ़ता है सुनता है उसे ही स्वाध्याय मानते हैं, मगर प्रवचन देना ये भी एक स्वाध्याय है। प्रवचन देना भी स्वाध्याय है, वो सबसे ऊंचा स्वाध्याय। स्वाध्याय के 5 प्रकार है, वाचना, पृछना, आमनाई,
अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय वो पांचवें नंबर का, पहले से दूसरा ऊंचा है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। तो धर्मोपदेश नाम का जो स्वाध्याय सबसे ऊंचा स्वाध्याय है। वृत्ति और विकल्प ये दो शब्द है, उन दोनों में अंतर है। वृत्ति का अर्थ है जो दबा हुआ कषाई है उसका नाम वृत्ति है, और दबा हुआ कषाई जब ऊपर आता है, उछलता है, उसका नाम विकल्प है। इसलिए भोजन करके भोजन करने की जो वृत्ति है वो वृत्ति नहीं मिट जाती, भोजन करने का विकल्प मिट जाता है उस समय के लिए। इसलिए भोजन करने के बाद में भूख 4 घंटे के बाद में लगती है। क्यों लगती है? तो विकल्प है, भोजन करके भोजन का विकल्प चला गया, खाना खा लिया, भोजन करना ऐसा विकल्प नहीं होता, पेट में भोजन गया, मगर वृत्ति अभी पड़ी है भोजन करने की, क्या फिर थोड़ी देर के बाद में फिर वो विकल्प उठेगा भोजन करने का, क्योंकि अभी जो है भाव वो अंदर पड़ा हुआ है, उस पड़े हुए दबे हुए भाव का नाम वृत्ति है, उछलता है जो भाव उसका नाम विकल्प है। हम विकल्प को टालने का प्रयास करते हैं, वृत्ति को छोड़ने की बात नहीं करते। उसके लिए मैं दृष्टांत देता हूँ, फवारे का फाउंटेन जो होता है तो उसमें जो पानी ऊपर उछलता है और नीचे जो पानी रहता है भरा, तो उछलता है पानी उसका नाम विकल्प है, भरा पानी है वो वृत्ति है। अब किसी ने मोटर बंद कर दी तो उछलता पानी बंद हो जाएगा, मगर अंदर तो पड़ा है ना गंदा। ऐसे ही रोटी खा ली तो विकल्प तो बंद हो गया भोजन करने का, मगर भोजन करने की वृत्ति अंदर पड़ी रही, वो मलिनता पड़ी रही। अंदर का जो पानी गंदा है उसको यदि बाहर निकाल दिया जाए तो फिर ऊपर पानी फुवारे में आएगा ही नहीं। ऐसे ही वृत्ति में से यदि भाव चले जाए तो विकल्प उठेंगे नहीं, और वृत्ति कैसे छूटे मलिन, मलिन वृत्ति कैसे छूटे? भोजन करके तो विकल्प मिट जाते हैं मगर वृत्ति नहीं मिटती। वृत्ति तब मिटती है कि वृत्ति मलिनता है, और मलिनता जब ज्ञान में जानने में आती है तब जागृति रहे कि जानने वाला मलिन नहीं है, तभी तो ये मलिन को जाना। मलिनता पर मलिनता जानने में नहीं आती, निर्मलता पर मलिनता जानने में आती है। इसलिए निर्मलता के लक्ष्य से मलिन वृत्ति छूटती है। उसके आगे काम भोग, ये दो शब्द है, समय सार में ये दो शब्द का प्रयोग किया। काम भोग ये 5 इंद्रिय के विषय भोग है ना, उनमें से 2 इंद्रिय के लिए काम शब्द का प्रयोग होता है और 3 इंद्रिय के लिए भोग शब्द का प्रयोग होता है। काम इंद्रिय 2 है, स्पर्शन इंद्रिय और रसन इंद्रिय। भोगेंद्रिय 3 है, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। और इसलिए क्योंकि जो कामेंद्रिय है वो स्पर्शन इंद्रिय और रसन इंद्रिय, जो ऑब्जेक्ट को टच करना जिसमें कंपलसरी है, गर्म पानी है, ठंडा पानी है, हाथ लगाना पड़ता है, फिर वो नमक है या फिर शक्कर है वो चखना पड़ता है जीभ के साथ में टच, अगर सुनने के लिए और देखने के लिए 3 इंद्रिय ऐसी है, दूर से भी हो सकता है, तो ये जो है उसमें टचिंग कंपलसरी नहीं है, इसलिए उसको भोगेंद्रिय में लिया है, और स्पर्शन इंद्रिय और रसन इंद्रिय को कामेंद्रिय में लिया है। और जो स्पर्शन इंद्रिय जो है वो पूरा शरीर, ये चमड़ी, वो स्पर्शन इंद्रिय, और रसन इंद्रिय है वो जीभ। जो स्पर्शन इंद्रिय रसन इंद्रिय जो कामेंद्रिय है ये एक एक है, पूरा शरीर एक सिंगल पीस है, ये जीभ एक है, और जो भोगेंद्रिय वो दो दो है, नाक दो, आंख दो और कान दो, और उसमें भी 5 इंद्रिय में एक एक इंद्रिय के आगे जिनको प्राप्त होती है उनका विषय भी उतना आगे बढ़ता जाता है। 1 इंद्रिय का जो विषय है जानने का, उससे ज्यादा विषय 2 इंद्रिय का, इसमें भी आगे बताएंगे। एक इंद्रिय आदि के जो भेद है, किसी जीव को 3 इंद्रिय है, किसी जीव को 2 इंद्रिय है, किसी जीव को 4 इंद्रिय है, तो किसी भी 4 इंद्रिय नहीं होती, कोई भी नहीं होती, पहली 4 होती है, क्रम नियम से यही रहता है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। तो ये क्रम से 3 इंद्रिय होगी तो पहली 3 होगी, 2 इंद्रिय होगी तो पहली 2 होगी, ऐसे जीव और अजीव और कर्ता कर्म अधिकार जो समय सार का है उसमें, जैसे अभी आपको बुद्धि की बात बताई, जीव अजीव अधिकार है और कर्ता कर्म अधिकार है, उसमें जो एकत्व बुद्धि और मुमत्व बुद्धि संबंधी जो भूल है समय सार में उसका वर्णन किया है जीव अजीव अधिकार में, जो एकत्व और मुमत्व की भूल है, और कर्ता कर्म अधिकार है उसका असली नाम कर्ता कर्म अधिकार नहीं,
उसका असली नाम कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार है, क्योंकि जीव जो है वो कर्ता कर्म के संबंध में और भोक्ता भोग ये सब चारों के संबंध में एक साथ में भूल करता है। तीन शब्द है चेतन चैतन्य और चेतना, ये भी अपन प्रयोग करते हैं। मैं तो चेतन द्रव्य हूं, मैं तो चेतनामय हूं, मैं तो चैतन्यमय हूं, मगर तीनों का अंतर क्या है? जब द्रव्य को बताना हो तब चेतन शब्द का प्रयोग होता है, जब गुण को बताना हो तब चैतन्य शब्द का प्रयोग होता है, और जब पर्याय को बताना हो तब चेतना शब्द का प्रयोग होता है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों के लिए अलग अलग है, तीनों लगते हैं आत्मा के लिए, मगर चेतन द्रव्य और चैतन्य गुण, ये ज्ञान गुण दर्शन गुण, ये चैतन्य गुण और उसकी जो पर्याय वो चेतना, इसलिए ये शब्द ऐसे याद रखना, चेतन भय और चेतना भेद। तो द्रव्य और पर्याय, ये द्रव्य जो है उसके लिए चेतन और पर्याय के लिए चेतना, और बाकी जो रहा वो चैतन्य। तो ज्ञान चेतना दर्शन चेतना ये कहते हैं, तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान ये सब ज्ञान की पर्याय, ये चेतना है, ये चेतना है, ज्ञान की पर्याय। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन केवल दर्शन, ये दर्शन चेतना, दर्शन चेतना की पर्याय है। तो ये चेतना शब्द जो है वो पर्याय के लिए उपयोग में होता है। उसके बाद में इसका अर्थ हमने ऐसे ले लिया, नीची जाति वाले का मोक्ष नहीं होता, जैसे कहा नीची जाति वाले का मोक्ष नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नीची जाति वाले का मोक्ष इसलिए नहीं होता क्योंकि ऊंची जाति वाले जो लोग हैं वो फिर नीची जाति वाले का आदर कैसे करेंगे? जैसे कोई नीची जाति वाला बनी हो गया तो ऊंची जाति वाले ने फिर नीची जाति वाले का आदर कैसे करेंगे, आहार कैसे देंगे, नवदा भक्ति कैसे करेंगे? सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति साधु होता है ना, तो साधु होने के बाद में उनके पास में उसके उनके कपाल पर या ऐसा बोर्ड लटकाया हुआ है कि कौन सी जाति का वो था, वहां तो नग्नता दिखती है। लोगों को लोग जो है वो उनको पूछते आप पहले कौन सी जाति के थे और आपने दीक्षा ली, और जो देखने वाला है उसने भी साधु का स्वरूप समझा नहीं है, यदि वो इस रूप में देखे कि ये ऊंची जाति वाला या नीची जाति वाला, तो बोले कि ऊंची जाति वाला, फिर वो नीची जाति वाले मुनि का, मुनि भी दो जाति के हो गए, ऊंची जाति के और नीची जाति के, अब मुनि भी दो जाति के हो गए तो फिर भेद का भाव मिटेगा कहां पर? मुनियों में भी ये भेद का भाव रहा तो। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे अहंकार के कारण, हमारी चित्त वृत्ति के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ अहंकार वो हमें इस भेद में डालता है, कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ। इसलिए कृपालु देव ने कहा जाति वैष्णो भेद नहीं कहो मान, जो बात है वो बहुत गहरी है, जाति और वेश का भेद नहीं होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी जाति या कोई भी वेश से मोक्ष है, उसका भाव कुछ और है। जाति का संबंध है ना, वो कुल का और जाति का, कुल का संबंध पिता के साथ में है, जाति का संबंध माता के साथ में है। कोई मम्मी ऊंचे ऊंचे परिवार से हो तो अपन कहते हैं ये ऊंची जाति का है, और पिता यदि ऊंचे परिवार से हो, पिता या दादा या उनके पिता ऐसे, तो कहेंगे ऊंचे कुल का है। कुल का संबंध पिता के साथ, जाति का संबंध माता के साथ। आत्मसिद्धि अनुशीलन में एक वाक्य ये लिखा है कि जब कोई जीव दीक्षा लेता है तब माँ के द्वारा मिली हुई जाति और पिता के द्वारा मिले हुए कपड़े, क्योंकि पापा कपड़े खरीदने लेके लेने जाते हैं ना, तो पिताजी के द्वारा मिले हुए कपड़े और माताजी के द्वारा मिली हुई जाति, ये दोनों ही वहां पर नहीं रहते, क्योंकि माता पिता ने जो ये दिया था वो माता पिता ही जब नहीं रहते तो जाति और वेश वहां कैसे रहेंगे? क्योंकि जो देने वाला थे उनको भी छोड़ दिया कि तुमने तुम्हारा दिया हुआ तुम्हें वापस लौटा देता हूं, तुम्हारे दिए हुए कपड़े तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी दी गई जाति तुम्हें मुबारक हो, तब वहां पर जाति और वेश का भेद नहीं होता ऐसा। और नीची जाति वाले का मोक्ष नहीं होता, उसका गहरा भाव ये था कि जो अपने को नीची जाति वाला मानता है और सिद्ध समान ऊंचा नहीं मानता है उसका मोक्ष नहीं होता है। अपने को पर्याय वाला मानता है, राग द्वेष वाला मानता है, कषाय वाला मानता है, ये नीची जाति वाला,
एक इंद्री जाति, दो इंद्री जाति, शास्त्र में तो ये जाति कही, हिंदू मुस्लिम की जाति ऐसी कोई कही नहीं है। शास्त्र में जो जाति के भेद बताए वो एक इंद्री जाति कही है, दो इंद्री जाति कही है, और कहा कि तू अपने को जाति वाला मानेगा तब तक तेरा मोक्ष नहीं है, तो अपने को सिद्ध समान मान, ऐसा इसका भाव है। उसके बाद सर्व जीव छे सिद्ध सम, ये जो अपन सुनते हैं सर्व जीव सिद्ध समान है, उसमें सर्व जीवों का जो भाव है, ये सर्व जीव और ये सिद्ध, सर्व जीव सिद्ध भगवान समान है। खास ये समझना कि सिद्ध भगवान और सर्व जीव द्रव्य दृष्टि से समान है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है ये भी समझो, क्योंकि द्रव्य दृष्टि से ये सर्व जीव सिद्ध भगवान समान है, तो निगोद के जीव जो है वो भी तो सभी जीव के साथ में आ गए, तो ये कहना चाहिए कि सर्व जीव निगोद समान। लेकिन जब द्रव्य को लेना तो द्रव्य तो सभी का समान है, अकेले सिद्ध को क्यों लिया? द्रव्य की बात करनी थी तो अकेले सिद्ध भगवान को क्यों लिया? इसलिए क्योंकि वहां पर्याय की बात बतानी थी, इसलिए सिद्ध भगवान की लेना पर्याय, और अपना लेना सर्व जीवों का लेना द्रव्य। सर्व जीवों के द्रव्य स्वभाव में ऐसा सामर्थ्य है कि सिद्ध भगवान को जैसी पर्याय प्रकट हुई है, ऐसी ही पर्याय सर्व जीवों में प्रकट हो, ऐसी द्रव्य में शक्ति है। तो सिद्ध भगवान की लेना पर्याय और अपना लेना द्रव्य, ये सर्व जीव है सिद्ध समान। वो कपड़े का दृष्टांत देते हैं कि एक कपड़ा साफ है, एक कपड़ा गंदा है। ये निर्मा कंपनी वाले बता देंगे, ये जो कपड़ा गंदा है, ये कपड़ा, ये जो साफ कपड़ा है, उसके जैसा ही ये साफ हो सकता है, ऐसी शक्ति है उसमें, और ऐसा साबुन घुमाया कि ये सफेद हो गया। तो ऐसा ही शुद्ध है, पहले तो शक्ति बताई। तो जब सर्व जीव जैसे सिद्ध भगवान है, ऐसे ही सर्व जीवों में शुद्ध होने की शक्ति है, और पुरुषार्थ का ऐसा साबुन घुमाया कि ऐसे हो गए परिये। उसके बाद में है ये जो शब्द है पान शब्द, ये शास्त्र जो लिखे थे वो ताड़ के पान पर लिखे गए थे। पहले के जमाने में कागज नहीं थे, पान थे। और आपने भी वो कुंदकुंदाचार्य की तस्वीर देखी हो, कुंदकुंदाचार्य देव ताड़ना पत्रों पर शास्त्र लिखे थे, तो ताड़ पान का अर्थ था वो पत्ता, पत्ता उसका पान, पहले पान के ऊपर लिखा जाता था, और अब पान नहीं रहे, कागज आ गए। मगर वो जो अपन कहते हैं ना शास्त्र खोल करके, पाना नंबर 35 काटो, पाना नंबर 45 काटो, ये पाना नंबर, ये पाना नंबर जो पहला पान ऊपर शास्त्र लिखाता था, एना माट्या शब्द अजी वो ने वो रही गयो, 35मू पानू, 40मू पानू, क्या पानू क्या था? तो कागज है, पान क्या है क्या? पण ये पहला जे पान शब्द नो प्रयोग थतो तो ये पान शब्द आया वपराय छे एवी रीते। अने कुंदकुंदाचार्य ताड़ना पान ऊपर काटाना माध्यम थी शास्त्र लख्या एवी रीते। एना माटे मैं एक वात एक जगह लखी छे के जैसे कभी भी कुछ होता है ना, कोई पूछते है आपकी तबियत कैसी है, टच वुड, अभी तो अच्छी है, माने टच वुड, अपन बार बार टच वुड टच वुड, एक वुड को टच कर कर के यदि लिखो ना, तो जैसे कोई व्यक्ति वुड को टच करता है बोले कि अब चलो ठीक है, अब उसे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये जो तुम गिलास लेके आए थे, अभी ये गिलास टिका है, फूटा नहीं है? नहीं, टच वुड अभी तक तो नहीं फूटा है। माने वो टिके टिकेगा, नजर न लग जाए किसी की। कुंदकुंद आचार्य कहते हैं कि ये समय सार आदि जो ग्रंथ है वो हमेशा टिक करके रहे, इसलिए वुड को टच करके काटे के माध्यम से, वुड को, वुड काटा है, काटा जो वुड है, तो वुड को टच कर करके हम लिखते हैं, टच वुड करके लिखते हैं कि पंचम काल के अंत की मित्रा की वाणी टिक करके रहे ऐसे। और उसके बाद में है सुख का परिणमन दुख है। अभी जो हमारे पास में दुख है, दुख तो है, सुख गुण है कि नहीं हमारे पास कि सुख गुण है? सुख गुण की पर्याय नहीं है अभी, मगर सुख गुण है कि हाँ है, और सुख गुण की पर्याय भी है। जो ये दुख है संसार में, ये जो दुख है ना, वो दुख सुख गुण की पर्याय है। दुख गुण की पर्याय नहीं, सुख गुण क्यों? सुख गुण की पर्याय का नाम दुख है। जैसे ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय दो,
मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान, अशुद्ध पर्याय मिथ्या ज्ञान, शुद्ध पर्याय सम्यक ज्ञान। श्रद्धा गुण की दो पर्याय, अशुद्ध पर्याय का नाम मिथ्यात्व और शुद्ध पर्याय का नाम सम्यक्त्व। ऐसे ही सुख गुण की दो पर्याय होती है, एक होता है सुख गुण की अशुद्ध पर्याय का नाम दुख और सुख गुण की शुद्ध पर्याय का नाम सुख, जो अतीन्द्रिय सुख आला स्वरूप सुख का है वो। मगर दुख है, हमें सुख गुण भी है और सुख गुण की पर्याय भी है, उसका नाम दुख है। फिर संयम और तप के बारे में अभी चर्चा की कि संयम और तप ये अनिवार्य है, संयम अनिवार्य है और तप अपने अपनी भूमिका अनुसार होता है, जिसके बारे में भी अपन ने स्पष्टीकरण किया। प्रतीति और परिणति ये दो शब्द है। प्रतीति शब्द का अर्थ क्या है? अनंत गुण में एक श्रद्धा गुण की पर्याय को समझाना हो, श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम प्रतीति है और चारित्र गुण की पर्याय का नाम परिणति है। परिणति शब्द चारित्र गुण की पर्याय है और उसमें भी प्रतीति में शुद्ध अशुद्ध ऐसा नहीं होता, सम्यक और मिथ्या प्रतीति, और परिणति में शुद्ध अशुद्ध का वहां सम्यक मिथ्या नहीं कहा। उसका कारण, क्योंकि प्रतीति जो होती है ना उसमें दो भेदी हुए, सम्यक या मिथ्या बस, और परिणति में सम्यक मिथ्या वाली बात नहीं कही। परिणति में यह कहा कि शुद्ध अशुद्ध अर्थात 25% शुद्ध तो 75 अशुद्ध, 50 शुद्ध 50 अशुद्ध, 75 शुद्ध तो 25 अशुद्ध, ये बताना था। इसलिए वहां सम्यक मिथ्या नहीं कहा, वहां शुद्ध अशुद्ध के भेद किए परिणति के लिए बस। और इसलिए ज्ञानी सुखी है या दुखी है, ज्ञानी सुखी है या दुखी है, ज्ञानी दोनों है, ज्ञानी सुखी भी है और दुखी है। ज्ञानी का अर्थ ऐसे समझो कि चौथे गुणस्थान में है, एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, तीन कषाय चौकड़ी का उदय है, तो तीन कषाय चौकड़ी का उदय है, जितने अंश में कषाय है उतने अंश में दुख है और जितने अंश में कषाय का अभाव हुआ उतने अंश में सुख है, इसलिए दुखी भी है और सुखी भी है। मगर ये बात सच है कि ज्ञानी दुखी है, मगर वे ज्ञानी दुखी है वे दुखी पर्याय को अपना स्वरूप नहीं मानते हैं, इसे श्रद्धान की अपेक्षा से ज्ञानी सुखी है, श्रद्धान की अपेक्षा से ज्ञानी सुखी है। फिर आगे है पुद्गल के जो चार गुण है, स्पर्श रस गंध गुण, ये चार, तो पांच इंद्री में चार इंद्री आई, स्पर्श गुण ये स्पर्श इंद्री, रस गुण रसन इंद्री का विषय, घ्राण फिर नाक का घ्राण इंद्री का, फिर ये गंध आया, गंध और वर्ण माने चक्षु इंद्री, तो कर्ण इंद्री का फिर जो विषय वो ध्वनि है, साउंड है, तो ध्वनि को पुद्गल के गुणों में क्यों नहीं लिया? स्पर्श रस गंध गुण कहा, चार इंद्री की बात आई, मगर ध्वनि को पुद्गल के गुण में कहीं नहीं लिया। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि ध्वनि जो है वो स्कंध में ही होती है, परमाणु में नहीं होती। ये पुद्गल दो प्रकार के, परमाणु और स्कंध, और जिसको आप उसका गुण कहते हो गुण सब में होना चाहिए, जैसे स्पर्श गुण परमाणु में भी होता है स्कंध में भी होता है, रस गुण परमाणु में भी होता है स्कंध में भी होता है, गंध वर्ण ये दोनों में होते हैं, पर जो ध्वनि है ध्वनि परमाणु में नहीं है स्कंध में ही है। परमाणु का अर्थ वर्ग, स्कंध का अर्थ वर्गणा, वर्गणा में ही है, और वर्गणा भी 22 प्रकार की है, उसमें भाषा वर्गणा से ही ध्वनि है, 21वें वर्गणा में वहां पर ध्वनि नहीं है। इसलिए ये जो भाषा वर्गणा में ध्वनि, इसलिए ये वर्गणा से ध्वनि उत्पन्न होती है, वो ध्वनि सभी पुद्गल में घटित नहीं होती है, 21 प्रकार की वर्गणा में और परमाणु में घटित नहीं होती है, इसलिए ध्वनि को पुद्गल का गुण नहीं कहा, जैसे स्पर्श स्कंध वर्ण को गुण कहा, नहीं तो अव्याप्ति नाम का इसमें दोष उत्पन्न होता। उसके आगे मुमुक्षु शब्द है, यह है ना मुमुक्षु, पंचम काल में मोक्ष नहीं है मगर पंचम काल में मुमुक्षु बहुत है। मुमुक्षु का अर्थ है मोक्ष की इच्छा रखने वाले। अपन नाम बहुत अच्छा चुनते हैं, बहुत अच्छा नाम देते हैं, मगर नाम देने के बाद में ऐसे लक्षण भी है या नहीं जिसे मोक्ष की ही इच्छा है और बाकी कोई इच्छा नहीं रही, जो व्यर्थ के विवादों में उलझता नहीं है वो मुमुक्षु है। मगर आप देखो धर्म के नाम पर जब चर्चा होती है, नहीं तू झूठा मैं सच्चा, तू झूठा मैं सच्चा, तो मुमुक्षु हो कि तुम्हें विवाद करना है? मुमुक्षु का अर्थ ये है कि जो व्यर्थ के विवाद में नहीं उलझता और अपना रास्ता खुद खोज लेता है, वो मुमुक्षु है। मोक्ष की इच्छा, स्त्रियों को कहते हैं मोक्ष नहीं होता,
बराबर है, स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता है, मगर स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता मगर स्त्री मुमुक्षु तो हो सकती है ना, मोक्ष की इच्छा तो रख सकती है ना, और मोक्ष की इच्छा रखने का और वो भी स्त्री को मोक्ष नहीं होता और होता है स्त्री वेद से नपुंसक वेद से, वो किस अपेक्षा से कहा उसका वर्णन भी आगे आएगा, होता है वो किस अपेक्षा से कहा उसका वर्णन भी आगे आएगा, सीक्रेट सब खुलेंगे इसमें। भेद विज्ञान शब्द है, एक है भेद ज्ञान एक है भेद विज्ञान, इन दोनों का गहरा अर्थ है भेद ज्ञान, दो द्रव्यों के बीच में भेद होता है उस भेद को जानना उसका नाम भेद ज्ञान है, दो द्रव्यों के बीच में भेद जानना उसका नाम भेद ज्ञान है, टेबल और कुर्सी दोनों अलग अलग है ये जाना उसका नाम भेद ज्ञान है, मगर दोनों पर है, टेबल भी पर है और कुर्सी भी पर है, दो पर में भेद जानना भेद ज्ञान है और अपने और पराये में भेद जानना वो भेद विज्ञान है, इसलिए सब ऐसा में कहा आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान के बल से हुए हैं, वो भेद विज्ञान का अर्थ एक पार्टी अपनी हो और एक पराई हो, अपन भेद ज्ञान तो करते हैं ये गाड़ी मेरी और ये पड़ोसी की, मगर दोनों ही मेरी नहीं है, दोनों ही पर है, दो पर के बीच में भेद किया, भेद किया था भेद जाना, अपने और पर के बीच में भेद जानने का नाम है भेद विज्ञान, दो पर में भेद जाना फिर राग द्वेष हुआ, और अपने में भेद जाना ये पर में भेद जाना तो राग द्वेष, और अपने में भेद जाना तो विकल्प खड़ा होगा, मैं ज्ञान वाला मैं दर्शन वाला गुणों के भेद वाला, अपने में भेद जानता है तो विकल्प होता है, पर में भेद जानता है वहां पर फिर राग द्वेष होते हैं, ऐसे पर जितना भी है उसे अभेद ये सबको एक साथ में रख दिया, टेबल कुर्सी को अभेद एक साथ में और उसमें ही अरिहंत भगवान को भी ले लिया, उसमें भी सिद्ध भगवान को भी ले लिया, ये सब में यहां पर, तो सभी पर को जानना अभेद, अपने को जानना अभेद और अपने और पर के बीच में जानना भेद, इसका नाम है भेद विज्ञान, ये इस शब्द का प्रयोग उपयोग किया है समय सार में। अच्छी अब 10 प्रश्न जो बनता नहीं है और स्पर्शता भी नहीं है, क्योंकि बनने के लिए चिकनापन चाहिए सूखापन चाहिए, सूखा और चिकने का बंद होता है, ये पुद्गल के गुण है, आत्मा में गुण है ही नहीं, इसलिए आत्मा को कोई चिपकता नहीं है, क्योंकि जहां चिकनापन होता है जहां सूखापन होता है वहां कर्म आकर के चिपकते हैं, आत्मा को अबद्ध अस्पृष्ट इसलिए कहा है। अनादि निधन शब्द है, अनादि अनादिकाल का आत्मा है, बाद में क्या लिखा अनादिकाल का तो है और बाद में क्या निधन, निधन का अर्थ निधन माने मरण, अनादिकाल का है और मरण होने वाला है तो फिर निधन क्यों कहा अनादि निधन, तो इसलिए ये जो अनादि निधन शब्द जहां शास्त्रों में प्रयोग है बहुत से लोग अनादिकाल का है उसका निधन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये जो तीन शब्द है उसमें दो शब्द नहीं है, अनादि और निधन ये दो शब्द नहीं है, तीन शब्द है, अन आदि निधन, अन आदि निधन, तो आदि और निधन, आदि का मतलब शुरुआत जन्म, आदि का मतलब जन्म, निधन का मतलब मरण, और अन अन का मतलब अन आदि जिसका जन्म नहीं है और अन निधन जिसका मरण नहीं है उसका नाम अनादि निधन है, अन आदि में जो अन है ना वो अन खाली आदि के लिए नहीं है, निधन के लिए भी अन का प्रयोग होता है अनादि निधन, और काम क्रोध को भगवान ने जीता है मोक्ष प्रकाश वगैरह ग्रंथ में ना, काम क्रोध को जीतने वाले ये दो शब्द क्यों बोलते हैं साथ में काम क्रोध, क्योंकि क्रोध 25 प्रकार के कषाय है, 25 प्रकार के कषाय में पहला कषाय अनंतानुबंधी क्रोध, ये क्रोध अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोध, अप्रत्यक्ष मान, ऐसे करके फिर नौ कषाय, चार और चार गुना करेंगे 16 और नौ कषाय में फिर अंत में आएगा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेद, नपुंसक वेद ये 25वां है, पहला है अनंतानुबंधी क्रोध, 25वां है नपुंसक वेद, तो पहला है क्रोध और 25वां है काम, नपुंसक वेद काम, तो ये 25 कषायों को एक शब्द में बोलना हो तो काम क्रोध शब्द से बोलते हैं, काम क्रोध को जीता है उसका मतलब 25 कषाय समस्त कषायों का जिनको अभाव हुआ है वे अरिहंत भगवान है, वो दो की बात नहीं है, वो एक से लेकर के 25 की बात है काम क्रोध में, और उसमें भी सबसे
पहले काम को लिया, क्योंकि ये सबसे अंत में ऐसा छूटता है ये भाव, और उसका भी कारण आगे आएगा। ये ऐसा विकार का भाव है, क्योंकि अपना जो अपन, जैसे कहते हैं जिसकी संगति में तुम रहो तो तुम्हारे भाव ऐसे ही आएंगे, संगति जैसी ऐसे तुम्हारे भाव, संगति जैसी। हाँ, पुरुषार्थी व्यक्ति को संगति की असर नहीं होती, कायर कमजोर को हो जाती है। अब गंदगी हो तो बदबू आएगी, संगति में गया, पुरुषार्थी को पता नहीं चलता कि वहां गंदगी है। यानी शरीर की जो रचना हमारी हुई है, शरीर की रचना कौन से विकार से हुई है? तो कोई क्रोध से शरीर नहीं बना, काम के भाव से शरीर बना। ये शरीर की रचना हुई तब वो काम का भाव माँ बाप को था, तो जिस भाव से इस शरीर की रचना हुई है और उसकी संगति में ये रहता है, इसलिए वो काम का भाव सबसे चिकना बताया कि सबसे अंत में छूटता है। उसकी पुरुषार्थी को फिर उसकी असर नहीं होती, पुरुषार्थ के बल पर इसका नाश हो सकता है, इसलिए पहले कहा काम और बाद में क्रोध। काम क्रोध का नाश करने वाले, और अंतिम अभी का सेशन में अंतिम शब्द है जो तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा आप जब करते हो, यात्रा करते हो, यात्रा करते समय गजपंथा की यात्रा के समय हमें ये विचार आया था कि 1,00,000 शब्द जो एक प्रवाह से आ गए, 1,00,000 शब्द प्रवाह से आए, कि 1,00,000 शब्द ऐसे हैं जिसके अर्थ इस जगत के जीवों को हो, तो पंचम काल के अंत तक वितरागी भगवान की वाणी में जो तत्व बताया था उसका अर्थ यही था। हमने कालक्रम के ऐसे आगे चलते अपने ज्ञान की कमजोरी से उसका उल्टा अर्थ लिया। तो तीर्थ की यात्रा करने गए थे वहां पर, मगर तब ये शब्द भी वहां ऐसा है। तो ऐसा शब्द तीर्थ यात्रा किसे कहते हैं? 3 प्रकार की होती। पहाड़ पर ऊपर गए, ऊपर जाए कोई व्यक्ति, तीर्थ यात्रा सफल कब हुई? ऊपर गया और ऊपर से फिर नीचे उतरे ही नहीं, ऊपर से नीचे उतरे ही नहीं, वहीं से ही केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष गया, उसकी यात्रा सफल हुई। ये पहले नंबर की सबसे ऊंची, कि शिखर पर गया और नीचे नहीं वापस आया, फिर वहां से और ऊपर, कि इतना ऊपर आ गया हूं तो और ऊपर जाता हूं, नीचे क्या उतरना। उसके लिए पहाड़ चढ़ना था। पहाड़ चढ़ने का मतलब यह था, हम लोग तो बोलते घुटने में दर्द है, ऊपर नहीं चढ़ा, थोड़ा तो चलो भाव आएगा बाद में ऊपर और जाने का। तो ये तीर्थ यात्रा में सबसे पहली ऊंचा वो ऊंची। वैसे उसके अगर 2 नंबर की, वो तीर्थ यात्रा ऐसी है कि ऊपर जाए भले मोक्ष नहीं हुआ, मगर नीचे उतरे तब मुनि होकर के नीचे उतरे, भले मोक्ष नहीं हुआ मगर अपरिग्रही भावलिंगी मुनि होकर नीचे उतरे। और ऐसा भी यदि नहीं हुआ तो 3 नंबर की यात्रा सफल तब हुई, उससे नीचे कोई यात्रा सफल नहीं है। ये सबसे नीचे कि ऊपर से नीचे उतरे, भले मुनि भी नहीं हुआ मगर देह को पड़ोसी मानता हुआ अब नीचे उतरता है, अर्थात सम्यक दर्शन पाकर के नीचे उतरता है, उसकी यात्रा सफल हुई। तो तीर्थ यात्रा सफल इसको ज्ञानी ने कहा कि उसकी यात्रा सफल हो गई। जब तक ये सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक कोई तीर्थ की यात्रा सफल नहीं होती, क्योंकि तीर्थ क्या है? ज्ञान ही वास्तविक तीर्थ है और ज्ञान की अनुभूति ही तीर्थ की यात्रा है, ये इसका भाव है। और 50 शब्द जो है वो दूसरे सेशन में भी इसके बारे में गहराई से चर्चा होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप परमात्माओं ने एकाग्रता पूर्वक सुना, सभी परमात्माओं प्रार्थना।